शिल्पी एंड वेलकम टू इंडिया व्लॉग्स। सो गाइज, ये है मेरा नेक्स्ट डे। अब मैं आगरा से आ गई थी जयपुर, तो ये है मेरा जयपुर का घर, जयपुर का रूम। थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ आपको। तो वही सुबह का शेड्यूल, सुबह जो है नाश्ते में मैंने बनाया पोहा। तो पोहा तो मैं ऑलरेडी बनाती रहती हूँ, तो उसको तो दोबारा दिखाने का कोई रीज़न नहीं है। ये माय बेबी बहुत बिजी है कलरिंग में। अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या कलर कर रहा है ये। और अब जो खाने में मैंने बनाया है मूंग की दाल और टिंडे की सब्ज़ी, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। टिंडे की सब्ज़ी बना दी है मैंने और मूंग की दाल उबाल दी है। फिर रोटी बनाऊंगी, सैलेड कटेगा जो भी है। यहाँ पर जो वेदर है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी धूप शाम को बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन तबीयत के लिए बहुत बेकार है। मतलब मुझे भी जुकाम हो गया, थोड़ी सी यू नो फीवरिश फीलिंग आ रही है मुझे, दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। तो इस मौसम में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आरएफ को भी जो है थोड़ा सा वायरल हो गया है, थोड़ा बहुत जुकाम चल रहा है उसका भी, वो भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ ले रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ मुझे इस वेदर में इंडिया आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पैकिंग वगैरह, जैसे कैटरिंग वगैरह मेरी चल रही है, थोड़ा बहुत ऐसे ही पड़ा रहता है, दो सूटकेस मैंने पैक कर दिए हैं। और बस अभी 3-4 दिन और हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैं निकल जाऊँगी कुवैत के लिए। इंडिया का ट्रिप जो है वो छोटा ही रहता है ज़्यादातर, मतलब बस इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इस बार जो है गौरव वहीं पर रह गए हैं, तो इतना ज़्यादा मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी। अदरवाइज़ मैं 30 डेज़ के लिए आती हूँ, बट इस बार मैं आई थिंक 20 या 21 डेज़ के लिए आई हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। क्रेयॉन्स और ये कलर पेंसिल्स और ये वैक्स कलर्स, कौन से चाहिए? प्लास्टिक क्रेयॉन्स, मेरे तो प्लास्टिक क्रेयॉन्स तो होगा। ये वाला कर लिया ना, पेंसिल कलर तुम्हें कौन सा कलर? व्हिच वन यू लाइक? ब्लू, आई लाइक ब्लू, डार्क ब्लू। तो गाइस, देन आई गॉट फ्यू आइटम्स। और जब भी मैं इंडिया जाती हूँ मेरी शॉपिंग चलती रहती है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं। और ये नेचर सर्फ के कुछ ऑयल्स हैं जो मैं ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ही आयुर्वेदिक हैं, हर्बल ऑयल्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कुवैत में बालों की समस्या बहुत रहती है, क्लिनिकली टेस्टेड हैं ये। और मेरी मदर इन लॉ जो हैं, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑयल्स एंड शैम्पूज़ बिकॉज शी हैज़ ब्यूटिफुल हेयर। तो उन्होंने भी ये ट्राई किया जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और कुछ मैंने टेम्पोन्स लिए, ये मैं फ़र्स्ट टाइम है जो ट्राई करूँगी। एंड दिस इज़ द इंटीमेट हाइजीन वाइप्स, ये मेरा सेकेंड पैक है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली इन ट्रेवलिंग, तो मैंने ये दोबारा से परचेज किया है। देन मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स लिए हैं हेयर ग्रोथ के लिए, और ये बहुत ही अच्छे हैं अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है या आपको एलोपीसिया की प्रॉब्लम है, बॉल्डनेस की दिक्कत है, तो ये ऑयल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैंने 2 या 3 पैक्स लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स, जिससे कि मैं बीच बीच में, क्योंकि हमेशा ना हर एक ही ऑयल या एक ही शैम्पू पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ 2 या 3 पैक्स लिए, एंड कुछ मैंने अपने वुमेन हाइजीन को लेकर प्रोडक्ट लिए हैं। तो ये है जॉक ऑयल यानी लीच ऑयल, ये मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो इसे ट्राई करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो उनके बालों पर किस तरीके से असर करता है। ये सारे ही ऑयल क्लिनिकली टेस्टेड हैं। ये 110 ml की बॉटल है, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड यू कैन बाय फ्रॉम Amazon एंड Flipkart, और वेट एंड ड्राई की आप डायरेक्ट साइट से भी ले सकते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका परचेज लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय फ्रॉम देयर।
कैसा है स्मेल? ठीक है, स्मेल कुछ नहीं ज्यादा तो नहीं है ना। हाँ हाँ तो ठीक है, सिर में रख सकते हैं ना फिर। हाँ। और चिपचिपाया नहीं, थोड़ा तो है, हल्का सा। वैसे अच्छा वो आया है ना इसका, कुछ स्मेल वगैरह आई थी? नहीं बिल्कुल नहीं, स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं है। और बाल भी शाइनी से हो गए ना आपके, एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि ऊपर डाई है, नीचे तो डाई भी नहीं है। हाँ है ना? नहीं हाँ, डाई तो मैं ऊपर ही करती हूँ, नीचे करती भी नहीं हूँ। नीचे नहीं करते ना, तो ये नेचुरल है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स डे टू और कल का व्लॉग जो है वो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, और अभी बस सुबह का टाइम है, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बस मैं इसी तरह की लगती हूँ कि मैं इंडिया आती हूँ, बिंदी वगैरह देखने को मिलेगी आपको। और नाश्ते में जो है आज नमकीन पुलाव बनाया था, और अभी लंच का टाइम हो गया है, दाल उबाल ली है और बस रोटियाँ बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, इसी तरह का शेड्यूल रहता है लंच का। लंच जो है यहाँ पर लाइट ही रहता है। अभी चाचा जी भी आए हुए हैं, तो बातों में किस तरह से टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उनको दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी वो तो पता नहीं, क्योंकि शूटिंग सबको पसंद नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आपको। ये देखो मंकी मेरा क्या कर रहा है, अगर अपडेट देना है तो ये देखो पूरे कलर्स बिखरे रहते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है इसका, कलर्स पूरे बिखरे रहते हैं। ड्रॉइंग कितनी होती है ये मत पूछो। सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को भी दबा देना। ओके ओके, वो तो लास्ट में बोलते हैं मेरे मुन्नू। और अगर लाइक है, और तबीयत का ये अपडेट है कि यहाँ पर आते ही तबीयत तो ऐसी ही चल रही है मेरी, अभी भी आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, क्योंकि मेरी जो है ना जो काम वगैरह ये सब चल रहा है। और कल के ब्लॉग में ना कैमरा जो है ना मैं इधर देखती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता एंगल क्या चल रहा है, दिस इज द राइट एंगल लाइफ है। और दवाइयाँ ले रही हूँ कोल्ड की, और ये देखो पूरा पीछे दवाइयों से भरा हुआ है मेरा बैग। ये आरएफ की जुकाम वगैरह, ये मौसम जो है ना यहाँ का बड़ा बेकार है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, बारिश हो रही है वो सब अच्छा लगता है, बट तबीयत जो है ना वो खराब हो जाती है हमेशा से। यह लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसे ही हो गया था। हेलो गाइस, हेलो टू यूट्यूब किड्स, टू इंडियन यूट्यूबर शिल्पी आरएफ अग्रवाल, यूट्यूबर शिल्पी। ये कौन है पीछे आपके? सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ बापू बाजार, द फेमस बापू बाजार इन जयपुर, जिसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, वो बापू बाजार व्लॉग होगा। और मैं अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ गई थी, मेरे सिस्टर इन लॉ और उनकी भी सिस्टर इन लॉ दोनों के साथ गई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े किए वहाँ पर। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसको ज़रूर देखना। और ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट बार, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल दैट इज़ कुवैत यूट्यूबर शिल्पी। हाँ, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है राइट नाउ, इंडियन यूट्यूबर शिल्पी एंड कुवैत यूट्यूबर शिल्पी, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम दैट इज़ इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। बाय।